सत श्री अकाल, नमस्ते, अदाब। तुसी देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं मोनिका ते अज फिर हाजिर हाँ तुहाडा सब दा मनपसंद प्रोग्राम लैके, जिसका नाम है तुहाडे सितारे। इस प्रोग्राम विच असी अपने दर्शकों की कुंडली नाल जुड़े हुए सवालों के जवाब दिंदे आ। ते हर वार साडे नाल स्टूडियो विच साडे माहर डॉक्टर अशोक भंडारी जी मौजूद होंगे। भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है ते नमस्ते तुहानू जी। नमस्ते, एंड मेरे दर्शकों नू भी बहुत बहुत प्यार भरिया नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब जी। जी भंडारी जी, हर बार तुसी सानू बहुत ही वधिया टॉपिक दे उपर गलबात समझाने हो, आपां दर्शकां दे कोला भी लैने आ। जिवें कि हुण इस टाइम तुसी इंडिया विच्चों ते आपां साडा ही रिकॉर्डिड प्रोग्राम हैगा वा, ते आपां इस करके गलबात दा सिलसिला आपस विच ही कर रहे हैं। इस बार आपां कोला नहीं लै पावांगे, इस गल वास्ते असीं माफ़ी चाहते हाँ। ते भंडारी जी, अज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहनी हाँ कुंडली दे अठवें घर बारे, कि जिवें कि कई लोग कहिंदे कि अठवां घर बहुत ही चंगा हुंदा है, ते कई लोग कहिंदे अठवां घर कुंडली दा बहुत ही माड़ा हुंदा है। सब तो पहला तुसी सानू, साडे दर्शकां नू तां चलो नहीं पता कि कुंडली विच किन्ने घर हुंदे ने, किन्ने है ना कुंडली दी की दशा हुंदी, तुसी सानू इह दसो पहला छोटा जिहा क्वेश्चन कि कुंडली विच घर किन्ने हुंदे ने। जी, अगर असी कुंडली दे घरां दी गल करदे हां तां 12 भाव हुंदे ने, 12 घर हुंदे ने, एक तो लैके 12 भाव जिहड़े ने एंटी क्लॉकवाइज साडी जन्म कुंडली दे विच चलदे ने। ते किहड़ा किहड़ा घर जिहड़ा हुंदा उह किस किस चीज़ नू रिप्रेजेंट करदा है? पहला भाव लगन भाव, जिस दे विच असी अपने बारे यानी कि निज बारे जानते हाँ, खुद बारे जानते हाँ, जिस दे विचों साडा रंग रूप कद सेहत किदां दी रहेगी, इस दे बारे जानकारी संपूर्ण रूप दे विच मिलती है। ते उस तो बाद आउंदा है साडा सैकेंड हाउस। सैकेंड हाउस जिहड़ा है वह धन भाव हुंदा है, कुटुंब भाव हुंदा है, सानू पेरेंटल प्रॉपर्टी किन्नी मिलेगी, साडे खानदान दे विच किद्दां दे लोक होणगे, ते किद्दां साडा जीवन जिहड़ा है परिवारक जीवन है वह किहो जिहा रहेगा, इस दे बारे दूसरे भाव तो असी जाणदे हाँ। ते तीसरा भाव जिहड़ा हुंदा है वह पराक्रम बारे हुंदा है, साडा किहो जिहा बाहूबल होवेगा, असी जीवन दे विच की करांगे, साडे विच किन्नी हिम्मत हैगी है, साडे भैन भरा किन्ने ने, इस दे बारे असी जिद्दां साडा बाहूबल कह सकते हाँ, क्योंकि भैन भरा साडियां बाहां हुंदियां ने, ते इस दे बारे जानते हाँ। चौथा भाव जिहड़ा हुंदा है वह साडी माता दे बारे जानकारी सानू दिंदा है, ते माता दे बारे ते साडे सुख दे बारे जिन्ना भी सानू गृहस्थ दा सुख हैगा वह चौथे भाव तो मिलदा है। ते पंचम भाव साडा ज्ञान दा, बुद्धि दा, विद्या दा, पेट दा, बच्चों दा जिहड़ा हुंदा है। ते छठा भाव जिहड़ा हुंदा है रोग शत्रु नानके, नानके परिवार दे दुख जिहड़े ने उह छठे भाव तो देखे जांदे ने। हालांकि चौथे भाव तो माता दे भाव तो असी नानकियां बारे भी जाणदे हाँ, लेकिन नानकियां दे विच आउण वाले दुख सुख जिहड़े ने उह छठे भाव च देखते हाँ। नौकरी सरकारी जां प्राइवेट भी जिहड़ी आ उह छठवें भाव तो देखते हाँ। ते जदों असी गल करदे हाँ सतवें भाव की, साडी पार्टनरशिप फ्रेंडशिप ते साडे जीवन दे विच किहो जिहा असी कारोबार करांगे, सानू साडी जिहड़ी दैनिक रोजगार किहो जिहा होवेगा उस दे बारे जाणदे हाँ। ते अष्टम भाव जिस दे बारे अज आपां स्पैशल तौर ते गल करनी है, इस नूं मृत्यु दा ते गुप्त विद्यावां दा जिहड़ा है घर भी कहा जाता है, जिस नूं आपां विस्तार दे विच बाद च गल करदे हाँ। ते नवम भाव साडा भागे दा हुंदा है, भागे किवें उदे होवेगा, कित्थों उदे होवेगा, धार्मिक होवांगे कि नहीं होवांगे, इस दे बारे नवम भाव तो पता चलदा है। दसवां भाव किहो जिहा कर्म करन दे नाल सानू फल मिल रहा है, किहो जिहा कर्म करके आए हाँ कि सानू फल इस जीवन दे विच मिलेगा, साडे कर्मां दा फल जिहड़ा है वह दसवां भाव सानू दिंदा है। ग्यारवां भाव साडे जीवन दे विच विचरण दे लई असीं जो कुछ भी प्रयास कीते उसका लाभ हानि जिहड़ा है वह ग्यारवें भाव तो मिलदा है। ते बारवां भाव जिहड़ा है वह मोक्ष दा, ते दूसरे पासे व्याय दा, असीं जीवन च जो कुछ कमाया उसनू कित्थे खर्चिया, किन्ना खर्चिया, चंगे लिए खर्चिया या माड़े लिए खर्चिया, इसका सारा हिसाब किताब जिहड़ा है वह 12वें भाव तो मिलता है। ये साडी कुंडली दे 12 भाव ने जी। जिदा कि अज आप गल ही अठवें घर से कर रहे हैं जी, कि जिदा लोगों च भ्रांति फैली हुई कि अठवां घर ही जिंदगी का घर है या मौत का घर है, तो तुम मैं बस अठवें घर के बारे अच्छ थोड़ी जी गलबात सिलसिले से समझाओ कि अठवें घर के विच कहड़ा ग्रह जिहड़ा शुभ हुंदा है, कहड़ा अशुभ हुंदा, तो अठवें घर नूं इन्ना बुरा क्यों कहा जाता है? जी, जदों असी इस भाव की गल करते हाँ तो हर एक इंसान जिहड़ा है इस मॉडर्न जमाने दे विच मौत तो डरदा है। हर एक इंसान अमीर होवे, गरीब होवे,
धार्मिक होवे या नास्तिक होवे उसनू मृत्यु तो डर लगता है। अठवां भाव मृत्यु का घर होंदा है, इस करके इसनू मिस्टीरियस, क्योंकि मृत्यु के दिन का पहला पता नहीं चलता। कहिंदे ने कि मौत कदों आ जावे इंसान नू नहीं पता चलता। इस ही तरह साढ़े बिजनेस दे विच गाहक किन्ने आउणगे, जिद्दां कहिंदे ने कि ग्राहक ते मौत दा पता नहीं चलता। ये अठवां भाव मिस्टीरियस होंदा है, गुप्त विद्यावां दा कारक ग्रह होंदा है। अठवें भाव दे नाल बहुत कुछ जुड़िया होया है। अगर असी अष्टम भाव नू ही जान लईए ते मैनू लगदा है कि एक चंगा भला इंसान जिहड़ा कि अपनी बुद्धि दे नाल बहुत कुछ कर रहा सी ते उसकी बुद्धि इत्थे फेल हो जाती है, ते मिस्टीरियस लाइफ नू जानन तो बाद इंसान जिहड़ा है एक पूर्ण पुरश बन जाता है। अठवां भाव साढ़े जीवन दे विच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ते भंडारे जी अठवें घर दे विच मैनू जिवें कि सूरज ग्रह की फल दिंदा है, दसोगे जरा? जो असी इत्थे सूरज की गल करते हाँ तो अष्टम भाव के सूरज वैसे ये जिहड़ा घर हैगा ये अंधकार का घर है, मौत का घर है। साड़ी आत्मा दे रस्ते दे विच जिन्नी भी ट्रैवलिंग हैगी है उसका यह स्थान मन्या जाता है। तो सूरज जदों भी अष्टम भाव दे विच आवेगा इंसान जिहड़ा है वह मौत दे प्रति अवेयर होवेगा, मौत उसनू सामने नज़र आवेगी ते मौत दा वह आनंद लैन वाला होवेगा। इसनू असी जागृत अवस्था दे विच साध दी संज्ञा देंदे हाँ कि सूरज अष्टम वाला इंसान हमेशा ही अपने जीवन दे विच उजाला लैके रखता है। उस दे उपर प्रभु दी उस दी आत्मा जिहड़ी है जागृत आत्मा दी कृपा रहिंदी है ते सूरज अष्टम वाला बहुत ही अच्छा इंसान मनिया जाता है। ते जे चंद्रमा अठवें घर विच होवे तां ओह की फल देगा? कहिंदे ने कि मृत्यु जिस तों फरिश्ते भी डरन, यानी कि इह चंद्रमा माता दा कारक ग्रह हुंदा है। जदों अष्टम भाव दे विच आ जांदा है ते जदों तक इंसान दी माता जीवत है ना धन दी कमी ना मौत दा डर, इस तरह दा इह प्रभाव दिखाउंदा है। लेकिन अष्टम भाव जिहड़ा है वह गुप्त बीमारियां दा कारक भी हुंदा है। चंद्रमा नाल रिलेटिड खास करके साइनस दी प्रॉब्लम, रेशा जुकाम, गला खराब जल्दी हो जाना, बॉडी दे विच जरूरत तो ज़्यादा रेशा प्रोड्यूस होना, इस तरह दीयां परेशानियां जिहड़ियां ने वह अष्टम भाव दा चंद्रमा सानू जरूर दिंदा है। और चंद दे विच मंगल की प्रभाव दिखाएगा अपना? जी असी जदों इत्थे मंगल दी गल करदे हाँ ते मंगल अष्टम भाव दे विच जिस तरह के एक्सीडेंट का कारक होंदा है, ब्लड निकलन का कारक होंदा है, जिहड़ियां के सिद्धियां चोटां लगणियां सर्जरी का, यानी कि जे साढ़े शरीर चो ब्लड नू बाहर कढ़न दे जिन्ने भी कारण होंदे ने जां ब्लड संबंधी कोई बीमारियां होंदियां ने वह भी सानू जिहड़ियां है अष्टम भाव दे विच दिंदा है। लेकिन इत्थे अष्टम भाव दे विच असी किहड़े किहड़े ग्रह किद्दां दा फल दिंदे ने इस दे बारे असी थोड़ा जिहा होर भी विस्तार दे नाल जानण दी कोशिश करदे हाँ। ते मंगल अष्टम वाला इंसान जड़ा है वो जां तां हनुमान जी दा भगत होवे तां उस दे सारे दुख कट जांदे ने, जां असी ये कह सकते हाँ कि ऐसा इंसान अपनियां कीतियां होईयां प्राप्तियां दा ढंडोरा पिटण वाला हुंदा है। इत्थे मंगल अष्टम वाला इंसान जड़ा फिर वो मिस्टीरियस नहीं रह जांदा, अपने मूँह अपने आप नू रीप्रजेंट करन वाला इंसान हुंदा है। उस दे लई सिद्धियां उसनू बहुत छेती मिलदियां ने, खास करके हनुमान जी दा भगत हुंदा है उसका शरीर जिहड़ा है वह इस तरह हनुमान जी वांगू स्ट्रोंग हो जाता है, हिम्मत बड़ी वध जाती है, बोलण दी पावर बड़ी छेती आ जाती है। जिस तरह असी ये कह सकते हाँ कि ऐसा इंसान जिहड़ा है मूँह फट हुंदा है, तो ऐसे इंसान नू अगर मिस्टीरियस रहना पवे तो वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन मंगल अष्टम वाला परमात्मा की कृपा हुंदियां सुंदियां भी अपने आप नू परेशानियां च घिरिया ही पाउंदा है। पंडित जी असीं सुनिया कि कई लोग कहिंदे कि जिहदा घर अठवें घर मंगल होवे तो पक्का मंगलीक हुंदा वे ते उहदे तलाक भी बहुत हुंदे ने, जिवें ते उहदे विआह भी जिदा टुटदे जा रहे तलाक हुंदे जा रहे या उहनां दे जिहड़े पार्टनर कई वार डैथ भी हो जांदी है, की इह गल सच है? तुहानू दस्सिया कि मंगल जिहड़ा अष्टम भाव दे विच ना बहुत मूँह फट हो जाता है, अपने आप ही अपने दिमाग नाल अपना घर खराब करन दे लई मंगल अष्टम जिम्मेवार हुंदा है। मंगल अष्टम वाला किसी नूं
प्रवोक इन्ना ज़्यादा कर देता है कि उसका पार्टनर जिहड़ा है कई बार सुसाइड कर लैंदा है या हमेशा स्ट्रैस दे विच रहिंदा है ते किते ना किते अपनी गड्डी ठोक बैठता है या कोई ऐसी भयानक बीमारी जिहड़ी है उसनू लग जाती है। अगर पार्टनर मंगलीक ना होवे ते दोनों दे विचों एक दी मृत्यु तय होंदी है, लेकिन मंगल अष्टम जिहड़ा है वह लंबी उम्र भी दे सकता है अगर उसकी अपनी पावर नूं जान के उसनू समेट के रख्या होवे। जां इह कह सकते हाँ कि जिहड़ी जरूरत तो ज़्यादा अग जिहड़ी है वह घर फूकदी है ते कंट्रोल्ड जिहड़ी अग हुंदी है वह खाना बनाउंदी है। ते भंडारी जी बुद्ध अगर अष्टम होवे तां फिर की प्रभाव देगा? कहिंदे ने बुद्ध अष्टम लानत जहमत ते बीमारी जिहड़ी है वह देंदा है, पर इत्थे बुद्ध अठवें वाले नूं बहुत तकड़ी मैनेजमेंट भी मिलती है। अगर इंसान इत्थे मैनेजमेंट दे नाल अपने जीवन नूं अगे वधाउंदा है और दुर्गा दी जिहड़ी है शक्ति नूं अपनाउंदा है, दुर्गा दी भगती करदा है, ते इहो ही जिहड़ा अष्टम बुद्ध जिहड़ा है वह हर मैदान फतेह वाली पावर देंदा है। खास करके अगर इंसान देवी पूजक होवे, देवी नूं मनन वाला होवे, उस दे मूहरे नतमस्तक हुंदा होवे, देवी दे ही मंत्रां दा वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त करदा होवे या देवी मंत्रां नूं जागृत करके उस तो फायदा लैण दी तकनीक रखदा होवे ते गुप्त रूप दे विच इंसान नूं परमात्मा दी महाशक्ति दी कुदरत दी जिहड़ी है वह पावर मिल जाती है। अठवें भाव दे विच बुद्ध बैठ के इंसान नूं जीवन दे उच्च शिखर तक भी ले जा सकता है ते निगार भी सकता है। ये इंसान दे अपने अंदर दी शक्ति नूं जागृत करदे होए एक चंगी मैनेजमेंट दे नाल बुद्ध दा फायदा लेना चाहिदा है ते बुद्ध दे छोटे मोटे उपाय जिहड़े कि अष्टम बुद्ध दे जरूरी ने वह हर इंसान नूं करने चाहिए ने। ते बृहस्पति यानी कि अपने गुरु अगर होवे उहदे विच अठवें घर विच उह की फल दोगे ते शुक्र होवे ते उह की फल देणगे? जो असी बृहस्पति की गल करांगे तो बृहस्पति साढ़े जीवन का आधार हैगा, साढ़े ज्ञान का कारक है, गुप्त ज्ञान। इत्थे एक शब्द आउंदा कि अठवां भाव गुप्त शक्तियां, गुप्त ज्ञान। जो बृहस्पति गुप्त ज्ञान का मालिक अष्टम भाव दे विच हो जाएगा तो जिस तरह इंसान कहते हैं कि ये बंदे ने शिले कट्टे ने सदा ही शमशाना दे विच घूमया है, अघोरी की संज्ञा भी इतों दी जाती है, जिस तो समाज भी डरता है। ऐसा ज्ञानवान इंसान, ऐसिया सिद्धियां उस इंसान दे कोल होंदिया ने। असी कहंदे ने कि शमशान दा साधु सिर सवा, यानी कि भभूत रमा के शमशान दे विच बैठ के सिद्धियां दे विच लग्या रहिंदा है, उसनू समाज नाल कोई मतलब नहीं, कोई रोटी दे गया या ना दे गया, मिल गई तां खा ली नहीं तां पक्के ब्रह्मचारी। इस तरह की हालत दे विच रहिंदे ने कि अघोर विद्या दे विच मास्टर इंसान हुंदा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा हुंदा है। ऐसा इंसान अगर गृहस्थ दे विच आउण दी ट्राई भी करेगा तो संसार जिहड़ा है, समाज जिहड़ा है उसनू असैप्ट नहीं करदा। इसे करके कहिंदे हाँ कि संसार दे विच बैठण वाला विचरण वाला इंसान जिस दे बृहस्पति अष्टम भाव दे विच हैगा उस इंसान नू हर वीरवार नूं जां आंदे जांदे शमशान च एक सिक्का यानी कि शमशान दा कर उतार के आना पैंदा है, उत्थे मंगल दी स्थापना करनी पैंदी है तां जो उस दे विच अपनियां रिद्धियां सुद्धियां नूं लै के इस संसार दे विच विचरण दी पावर आ सके। मंगल जिहड़ा है एक हौसला दिंदा है, इसे करके तांबे दा कॉइन जिहड़ा है वह शमशान च सुट के आउण लई, क्योंकि अठवां भाव शमशान घाट भी हुंदा है जी। ते शुक्र बारे भी दस दो, शुक्र की प्रभाव दिखाता अठवें घर च अपना? शुक्र गुप्त रूप दे विच इंसान नूं कामी क्रोधी हंकारी बनाउंदा है। जदों भी किसी की कुंडली दे विच शुक्र इस भाव दे विच आवेगा तो वह अपने जीवन नूं जिन्नियां भी कलाकारियां सीखेगा वह सिर्फ भोग दियां ही सीखेगा, उसनू संभोग और भोग दोनों दे विच बहुत ज़्यादा रुचि होवेगी। अपने आप नू समाज दे किस निरकृष्ट भाव तक लै जाएगा उसनू खुद नू नहीं पता चलता, केड़े केड़े गलत कम्मां दे विच लिप्त हो सकता है सिर्फ भोग वास्ते उसनू खुद नू नहीं पता चलता। अगर इस इंसान दे उपर कृपा बने माता लक्ष्मी दी, जां ये कह लो कि ऐसा इंसान अगर माँ लक्ष्मी दा उपासक हो जाए, हर टाइम कनक धारा दा पाठ उसदे घर च चलदा रहे, श्री सुक्तम दा पाठ उसदे मन दे विच चलदा रहे, लक्ष्मी दे बीज रूप दी ओ साधना कर लवे, ऐसा इंसान जीवन दे उस
उच्च शिखर तक पहुँच सकता है कि उसका समाजिक रुतबा संसार दे विच बहुत उच्चे लेवल तक जा सकता है। जी, ते शनि ग्रह इत्थे की प्रभाव दिखाएगा? शनि बहुत ही मिस्टीरियस है, खुद ही मिस्टीरियस होंदा है। जदों भी अष्टम भाव दे विच शनि होंदा है तो कहंदे ने कि मौत हमेशा सिर ते नचदी रहिंदी है पर बाल भी विंगा नहीं होंदा। कारण इसे ही जन्म दे विच अपने कल्ले कल्ले कर्म दा हिसाब शनि नाल दी नाल निपटारा करवाई जांदा है। अगर अष्टम दे शनि नू किसे भी ग्रह दी टक्कर ना होवे ता ऐसा इंसान गुप्त शक्तियां दा बादशाह हुंदा है, दंद अधिकारी हुंदा है, जां असी इस नू कह ले सकदे हां कि बहुत ही उच्च जिदरा सुप्रीम कोर्ट तक दा जज भी लग सकता है, न्यायपालिका दे विच एक उच्च अधिकारी हो सकता है, न्याय करन दी उस दे विच समर्था हुंदी है, ऐसा इंसान न्याय प्रिय हुंदा है। अगर असी धार्मिक दृष्टि तो कहंदे हां ते कर्मा तो मुक्त हुंदा है, ऐसे ही जन्म दे विच कल्ले कल्ले कर्म नू भोग के जांदा है, अगले जन्म दे लई कोई भी कर्म पेंडिंग नहीं छड्डदा, ते जिन्नियां भी कालियां शक्तियां दीआं सिद्धियां हुंदियां ने ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਤਵੀਜ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐਂਡ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮੇਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਅੱਠਵਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਟਮ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਨਲਕੇ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਸ਼ਟਮ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਗਲ ਦੀ, ਮੰਗਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸ਼ਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਦਾ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੇਤੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਰਾਹੂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਹੈ।
राहू अगर इत्थे कहिंदे जिसनू राहू तारे उसको कौन मारे वाला काम हुंदा कि जिंदी भी कुंडली दे विच अष्टम भाव च राहू होवे अगर वह कंट्रोल्ड होवे मंगल तो या कंट्रोल्ड होवे चंद्रमा तो या बृहस्पति तो ऐसा इंसान चाहे झुग्गी च पैदा हो जाए चाहे इस तो भी नीचे पैदा हो जाए जिदा कूड़ादान च भी पैदा हो जाए तो ऐसे इंसान ने जीवन दे विच एक टाइम ते आके जो राहू की महादशा होगा वह करोड़पति बन जाएगा पर जो उस तो बाद उसकी दशा निकल जाएगी वह अरबपति भी हो सकता है। अचानक धन अचानक लाभ देने की समर्था जोड़ा है वह राहू रखता है। हर तरह की रिद्धि सिद्धि अगर उसने अपने जीवन काल च किसी भी जन्म के प्राप्त की हो चाहे एक ओम नम शिवाय का मंत्र भी बोलिया हो भी सिद्ध हो के इस इंसान नू इसे ही जन्म दे विच तरह तरह के फल देंदा है। ज्योतिष विज्ञान दे विच ऐसा इंसान बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी बनता है तो उसकी प्रेडिक्शंस जिहड़ियां उसनू कोई भी तोड़ नहीं लभदा वह जो कह दिंदा है उसे ही तरह का होंदा है तो उसके बराबर की प्रेडिक्शंस कोई ज्योतिषी नहीं कर सकता जी। केतु का फल भी दस दो। हुण केतु का फल इत्थे दसदा है साडियां हड्डियां दे विच कहिंदे ने कि हड्डियां शमशान दे विच ही ज़्यादा मिलदियां ने मास गल जाता है तो इत्थे जदों भी साडी कुंडली दे विच केतु अष्टम भाव दे विच आउंदा है तो गुप्त रूप दे विच सानू हड्डियां दे रोग मिल जाते हैं पर अगर असी इत्थे हड्डियां दे डॉक्टर बन जाते हाँ हड्डियां नू क्योर करन दी विधि सीख जाते हाँ तो साडा इहो ही केतु साडे वास्ते वरदान हो जाता है। अष्टम भाव दे विच ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होण दे नाल कैरोप्रैक्टिस होण दे नाल जिहड़ा फिजियोथरैपिस्ट दी विद्या जानण वाला इंसान जिहड़ा है वह जीवन दे विच सब तो वध धन कमाउंदा है उसका जीवन सफल हो जाता है नाल नाल वह दुनिया की सेवा करता है तकलीफां तो बाहर करता है तो नाल दी नाल उसनू बहुत सारा धन भी मिलता है। पर इत्थे एक उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी होंदा है कि अष्टम भाव दा केतु केलियां दा दान यानी कि बृहस्पति दी सहायता लैनी चाहीदी है। चिट्टा काला कंबल धार्मिक स्थान ते चढ़ाउण दे नाल केतु जिहड़ा है वह बंदे दे जीवन दे विच दर्दां नू दूर करता है तो स्थिरता प्रदान करता है जीवन दे विच एक जगह ते टिक के अपने काम नू करन दी समर्था देंदा है जी। भंडारी जी जिस तरह हुण तुसीं इन्हां दे नाल रिलेटेड सानूं उपाय दस्से ने जिद्दां हुण आपां कई वारी फॉरेन कंट्रीज विच हुंने आ जिवें तुसीं कहा कि शमशान घाट दा उपाय करना या कोई होर भी उपाय दस्से सीगे कि गड़बी इहदे विच मूंगी भर के इह बाहरली कंट्रियां विच करने तां मुश्किल आ उत्थे आपां किस तरह कर सकदे हां जी। इस दे कुछ सबस्टीट्यूट उपाय होंदे ने वो अपनी कुंडली दे मुताबिक कुंडली दियां कुछ दृष्टियां दे मुताबिक असीं अपनी घर दी किचन दे विच या अपने परहेज करते हुए जिस तरह कोई उपाय ना हो सके तो उसका एक परहेज भी होंदा है तो लाल किताब कहती है कि कहते हैं कि उपाय नालों परहेज जिहड़ा है वह ज़्यादा ज़्यादा काम करता है। इस करके जे तुहानू लगता है कि तुहाडी कुंडली दे विच किसी भी तरह का कोई ऐसा अष्टम भाव नाल रिलेटड सवाल है तो तुहानू उसका कोई उपाय नहीं लभदा तो तुसीं अपनी जन्म पत्री नूं संपूर्णता चैक करवा के उसका उपाय भी जान सकते हो जी। भंडारी जी तुसीं सानूं अठवें घर दे विच जिहड़े ग्रह बैठे होंदे हो की फल दिंदे उहदे बारे दस्सिया कुछ दर्शकों नूं जिस तरह कि हमेशा डाउट रहिंदा सी कि अठवां घर जिहड़ा मौत दा घर है कुछ कहिंदे सी जिंदगी दा घर है तुसीं उहनां दे डाउट क्लीयर कीते है और बहुत ही वधिया सानूं अज नॉलेज दित्ती है ते साडा सब दा दर्शकां दा भ्रम दूर कीता कि अठवां घर बहुत बुरा नहीं हैगा असीं उपाय करके इहनूं सही कर सकदे हां ते भंडारी जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं अज सानूं बहुत ही वधिया नॉलेज दित्ती ते अज वास्ते बस इन्ना ही ते भंडारी जी इन्हां दिनां विच हुण इंडिया विच हैगे ने 1 अक्तूबर तो लैके 10 नवंबर तक भंडारी जी इंडिया विच मिलणगे। भंडारी जी तुसीं दस दो कि अगर कुछ दर्शक इंडिया दे तुहानूं मिलना चाहुंदे ने या गल्लबात करना चाहुंदे आ तुहानूं कित्थे ते किवें मिल सकदे ने जी। जिहड़े लोग लुधियाणे दे नेड़े तेड़े दे ने उहनां नूं कुहाड़े बारे बहुत ही चंगी तरह पता होवेगा पर मैनूं लगदा कि पूरे पंजाब दे विच कुहाड़ा चंडीगढ़ रोड दे उत्ते लुधियाणे तों 10-12 किलोमीटर दी दूरी ते हैगा ते सारे ही जाणदे ने ते जिहड़े भी मैनूं मिलना चाहुंदे ने ते 2 बजे तों पहलां ही मैं ऑफिस दे विच बैठदा हाँ तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे नंबर जिहड़े स्क्रीन ते दित्ते होए ने उहनां दे व्हाट्सएप नंबर जिहड़े ने उह इंडिया दे विच भी चलणगे ते जिहड़ा कि मेरा एक नंबर 9814021346 उह इंडिया दा नंबर है उह डायरैक्टली भी काम करेगा ते मेरे नाल संपर्क करके ते तुसीं पहलां अपनी अपॉइंटमेंट बनाउणी आ ते बिना अपॉइंटमेंट तों मिलण दी कोशिश ना कीती जावे। अगर तुसीं बिना फोन कीते आउंदे आ तां हो सकदा कि तुहानूं मुड़ना वी पवे इस करके अपनी अपॉइंटमेंट पहलां बुक करके आउणा ਤਾਂ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।